कृष्णकाया कंटकरस रक्तिम प्रबल सुमन। कृष्णकाया कंटकरस रक्तिम प्रबल सुमन, मंद गंध ऊज प्रखर सुदृढ़ हर्षित उपवन। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया के एक नए वीडियो में। आज मैं आपको एक सुंदर लाल रंग से सुसज्जित यूफोर्बिया मिली के संदर्भ में बात करने वाला हूँ। यह पुष्पीय पौधा मेडागास्कर के मूल निवासी यूफोर्बिएसिया का परिवार में फूलों के पौधे की एक प्रजाति है। इसे कांटों का ताज, क्राइस्ट पौधा, क्राइस्ट कांटा भी कहा जाता है। यह एक रसीला तन वाला छोटी झाड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। इसके टहनियों में कांटे होते हैं, जो आप देख सकते हैं। इस तरह से टहनियों में कांटे हैं और इसके शीर्ष पर लाल रंग के पुष्प खिले हुए हैं और ये कई दिनों तक ताज़े बने रहते हैं। इसमें लाल, गुलाबी तथा सफ़ेद रंग के पुष्प खिलते हैं। इसकी शाखाओं पर तेज कांटे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। साथ ही इसकी टूटी पत्तियों या तनों से चिपचिपा रस निकलता है, जो कि पालतू जानवरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके रस आँखों में चले जाने से जलन होती है। इस पौधे को सूर्य प्रकाश बहुत अधिक प्रिय होता है। इसे घर के भीतर रखने पर किसी खिड़की के समीप रखना चाहिए ताकि इस पर तेज़ धूप पड़ती रहे। इसमें अधिक से अधिक धूप मिलने पर इसमें जो है अधिक से अधिक फूल विकसित होते हैं और पौधा अच्छे से विकास कर पाता है। कम रोशनी होने पर इसमें फूलों की संख्या भी कम हो जाती है। वर्षा ऋतु में इस पौधे को खुले में रखना उत्तम होता है। आप सितंबर तक इसे घर के बाहर आसानी से रख सकते हैं। कम तापमान होने पर ये पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। अब बात करते हैं इस पुष्पीय पौधे को किस तरह से उगाया जाए। यूफोर्बिया मिली को इसकी कर्तन लगा करके हम विकसित कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये नई नई शाखाएं निकली हुई हैं। ये शाखाओं की कर्तन को हम लेंगे और इसके शीर्ष भाग को हम लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक कटिंग ली है और जब भी आप इस पौधे की कटिंग लेंगे तो इस तरह से अपने हाथ में ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कटिंग के निचले भाग में दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। ये दूध सूखने के उपरांत ही हम इसका इस कर्तन को लगाएंगे। तो हम इसको कुछ दिन के लिए, कम से कम एक दिन के लिए इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह हमने दो कटिंग यहाँ पर लिया हुआ है। जब भी आप इसकी कटिंग लेंगे तो अपने हाथों में इस तरह से ग्लव्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये कांटेदार पौधे हैं। साथ ही इसमें जो रस निकल रहा है वह भी जहरीला होता है। यदि ये रस नहीं सूखे होते हैं तो इसमें फफूंद लगने की संभावना होती है और हमारे कटिंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसकी मृदा की बात करें तो भुरभुरी रेतीलीयुक्त मिट्टी सर्वोत्तम होती है। हमने यहाँ पर मिट्टी का मिश्रण तैयार किया हुआ है। इसके लिए सामान्य खेत की मिट्टी 40% रेत, 30% 10% गोबर खाद और 10% धान की भूसी को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इस तरह के तैयार मिट्टी में पौधे का उत्तम विकास सुनिश्चित है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे पौधे में ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं और मेरा पौधा सुरक्षित और स्वस्थ है। मैंने इस कर्तन को आधे घंटे पूर्व ही ली हुई है और मैं इसे आज लगाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने फंगिसाइड के रूप में यहाँ पर हल्दी का प्रयोग किया हुआ है और इसका रिजल्ट कैसा होता है मैं आपको शेयर भी करने वाला हूँ। तो इस कर्तन को लगाने से पूर्व इसमें से अधिकतम जो पत्तियां हैं उनको हटा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी पत्तियों को हटा लिया है। अब मैं इसे पन्नी में लगाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने मिट्टी पूरी तरह से भर ली है। चलिए हम इसे पन्नी में लगाते हैं। चूँकि यह कर्तन मैंने आज ही लिए हैं, अतः मैं इसमें 24 घंटे उपरांत जल सिंचन करूँगा। आप यदि 48 घंटे पश्चात कर्तन को लगाते हैं तो आप तुरंत जल सिंचाई कर इसे 2 दिनों के लिए
छायादार स्थान में रख लेना चाहिए। अब इसके खाद पानी व रख रखाव की बात करें तो इसमें तरल उर्वरक का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। इसमें आप गोबर या केचुए खाद को पानी में भिगो करके 48 घंटे के लिए रख देंगे। उसके पश्चात जो पानी निकलता है उसे आप इनमें गमलों में डालेंगे। तरल खाद का प्रयोग करने से आपके पौधे में भी इस तरह से ढेर सारे पुष्प खिलेंगे। तरल खाद का निर्माण एवं प्रयोग किस तरह से करना है इसका वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह पौधा शीतकाल में सुप्त अवस्था में चला जाता है, उस समय इसमें खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अप्रैल से लेकर सितंबर तक 15 दिनों के अंतराल में इसमें खाद का प्रयोग करते रहने से ढेर सारे पुष्प खिलते हैं और पौधे स्वस्थ रहते हैं। यूफोर्बिया मिली अपने रसदार तने में जल का संचय करते हैं, अतः इनमें बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। मृदा जब अच्छी तरह से सूख जाए तभी इसमें जल का सिंचन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में अतिरिक्त जल निकासी हेतु गमले में जल निकासी छिद्र का होना अति आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि यह पौधा सूखे की अपेक्षा अति जल भराव होने के कारण समस्याग्रस्त हो जाता है। इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और यह पौधा मृत हो जाता है। यूफोर्बिया मिली एक जहरीला पौधा है। इसकी पत्तियों तथा रस का उपयोग कीटनाशक दवा बनाने में किया जाता है, अतः अधिकांश कीड़े मकोड़े इसके समीप नहीं आते हैं। किंतु जब ये सघन हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में माइल बग और कुछ कीड़े इसमें आ जाते हैं। इससे बचने के लिए आप इनका समय समय पर देख रेख करते रहिए, साथ ही पानी में नीम तेल मिला करके समय समय पर छिड़काव करते रहें। इसमें होने वाले फफूंद रोग जैसे पत्तियों में धब्बे का होना, शाखाओं का सड़ना, जड़ों में सड़न की स्थिति, तो इससे बचने के लिए आप इस पौधे में बहुत कम ही जल सिंचन करना चाहिए। जब मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो कृपया अपनी पसंदगी प्रकट करिए और यूफोर्बिया मिली को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, कृपया मुझे टिप्पणी करके उत्तर दीजिएगा। मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।